गोंदिया में महिला दिवस के उपलक्ष्य में साड़ी पहनने वाली महिलाओं के लिए आईएम द्वारा महिला वॉकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह वॉकथॉन प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। गोंदिया शहर के नेहरू चौक से महिलाओं ने गोंदिया शहर में घूम घूम कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ महिलाओं ने फुगली खेल का लुत्फ उठाया, कुछ महिलाओं ने लेजिम के फर्श पर नृत्य किया और इस बार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश महिलाओं ने स्वर के माध्यम से दिया। आपका नाम? मैं डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, अध्यक्ष आईएमए गोंदिया ब्रांच। क्या बताएंगे आज महिला को? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 2024 का थीम है इंक्लूसिव इंक्लूजन। इसका अर्थ है कि महिलाओं का समाज में महत्व क्या है, इसके प्रति जागरूकता लाना। इस साल का थीम यह है। मैं बोलता हूँ नारी को सिर्फ एक दिन नहीं देना चाहिए, वो बिना रुके हर काम करती है, हर समय करती है, तो इनके लिए पूरा साल ही डिवोट करना चाहिए राधर देने दिन। और हमें चाहिए एक सशक्त समाज जो नारी प्रधान और नारी शक्तिवान हो। धन्यवाद। सर, कितने महिलाओं ने यहाँ पे आज सभा लिया? आज करीब 600 महिलाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, कुछ एनजीओज हैं, नॉन डॉक्टर्स महिलाएं हैं जो सुबह से आज 6:30 बजे से हम लोगों के साथ में हैं। इस सारी वॉकेथन में आईएमए ने इस साल पहली बार इंटरनेशनल वुमेंस डे में सारी वॉकेथन का अरेंजमेंट किया है, ये महिला उत्थान करने के लिए। थैंक यू। अपना नाम? मी डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता। काय सांगणार आज महिला दिनानिमित्त? आज वॉकेथन ठेवलं आहे महिलांचा आणि कुठकुठच्या महिला आल्या, ते काय थीम होती? आज हमारे गोंदिया की सभी महिलाएं आई हैं और हमने एक वॉकेथॉन का अरेंजमेंट किया है जिसमें न कि डॉक्टर्स बाकी सभी प्रोफेशंस की महिलाएं आई हैं और इसमें हम लोग विविधता रखने वाले हैं क्योंकि भारत में एकता के साथ विविधता है और नारी शक्ति का हमको विकास करना है और नारी ही देश का सम्मान है, नारी ही देश के विकास का सहयोग है। थैंक यू। सगळ्यात पहिले तर सगळ्या महिलांना आजच्या जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि मला हे सांगायला आवडेल की गोंदियामध्ये आज जे आमचं साडी थॉन जे सुरू आहे त्यात 600 ते 700 महिला आहेत, वेगळ्या वेगळ्या संघटन इथे आहेत आणि सिव्हिल सर्व्हिसेस म्हणजे हे ऑर्गनाईज डॉक्टरांनी केलं आहे पण इथे सगळे वेगळेवेगळे सोशल सर्व्हिसेस जे देणारे आहेत त्या सगळ्या महिला उपलब्ध आहेत आणि आज त्यांनी सगळ्यांनी साडीमध्ये वॉक करून साडीला म्हणजे महत्त्व दिलं आहे कारण आपण सगळे भारतीय आहोत आणि साडी तितकीच इम्पॉर्टंट आहे भारतीय महिलांसाठी आणि खूप सुंदर प्रयास होता हा। गोंदियात आज सगळीकडे महिला दिनांचा दुमदुम आहे, सो सगळ्यांना शुभेच्छा ज्यांनी हा कार्यक्रम ऑर्गनाईज केला, ज्या सगळ्यांनी वेळात वेळ काढून इथे आपले 2 तास साडीसाठी आणि नारीसाठी दिले, सो खूप मजा आली आणि खूप छान प्रयास होता। थँक्यू। जवळपास इथे 500 महिला आमच्या ह्या विमेन्स विंगच्या कार्यक्रमात सहभागी आहेत। नारी शक्तीचं एक खूप मोठं प्रदर्शन आज इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या विमेन्स विंगनी केलेलं आहे आणि खरंच तर आज त्यांनी दाखवून दिलं आहे की महिला सशक्तीकरण किती महत्त्वाचं आहे आणि की काय त्यांनी शक्ती आपल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टर्सनी आणि सगळ्या समस्त गोंदियाच्या महिलांनी इथे दाखवलेली आहे। NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।